अनियंत्रित होकर कार गिरी नाले में, कार सवार युवक की मौत। सूचना पर पुलिस व रेस्क्यू टीम पहुंची मौके पर। रतलाम जिले के पिपलोदा तहसील के ग्राम बोरखेड़ा के समीप मोड़ पर चार पहिया वाहन अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी। घटना में कार सवार दिग्विजय सिंह सिसोदिया की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पिपलोदा थाना प्रभारी व जावरा रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची व 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला व PM के लिए सुखेड़ा हॉस्पिटल भेजा। रतलाम से राहुल बैरागी की रिपोर्ट। कल रात को लगभग करीबन 1:30 बजे हुंडई हंड्रेड को इवेंट आया कि बोरखेड़ा गांव में एक इको स्पोर्ट गाड़ी अनियंत्रित होकर नाले में गिर गई। तो जिसकी सूचना पर डायल हंड्रेड और मैं भी थाना मोबाइल में गया, वहां जाकर देखा इको स्पोर्ट गाड़ी नाले में पड़ी हुई है, जो केवल उसके पहिए पहिए दिख रहे हैं। तो तुरंत जावरा से होमगार्ड की रेस्क्यू टीम को बुलाया और ग्रामीणों की मदद से जैसी हुई और टीम और ग्रामीण की सहायता से गाड़ी और चालक को निकाला। तो बाहर निकल के उसको देखा तो डूबने के कारण उसकी मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद सब को PM के लिए पहुंचाया और गाड़ी को सुरक्षित कर दिया। कितने लोग सवार थे गाड़ी में? उसमें एक व्यक्ति था दिग्विजय सिंह सिसोदिया, पिता ईश्वर सिंह सिसोदिया, उम्र करीब 32 वर्ष, ग्राम नांदे डकर। सौ PM हो गया सर? सर PM हो गया, सौ सपोर्ट हो गया परिजनों को। आपका शुभ नाम? सब इंस्पेक्टर प्रताप सिंह। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।